हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शरारा सूट सेट शेयर करने वाली हूँ, जो कि होने वाले काफ़ी फन, बिकॉज एज यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ कलर्स, देर आर लॉट ऑफ प्रिंट्स, अ लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड अ लॉट ऑफ देसी तड़का। सो गाइस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट शरारा सेट, एक चीज़ अगर आप मुझे काफ़ी दिन से फॉलो करते हैं तो मैं हमेशा इंक्लूड करती हूँ, विच इज़ येलो कलर इन द आउटफिट। नाउ येलो कलर इतना हैप्पी कलर है, स्पेशली ड्यूरिंग समर बहुत ही प्यारा लगता है। ईद फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए आई लिटरली वॉन्टेड टू शेयर समथिंग विच इज़ वेरी एथनिक एंड इट हैज़ अ वेरी फेमिनिन साइड। सो शरारा सूट से ज़्यादा अच्छा एक आउटफिट और क्या हो सकता है, एंड स्पेशली वेन इट कम्स विद अ मिक्स ऑफ कलर, मिक्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी। सो लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल। ये कॉटन ब्लेंड मटेरियल का है। सो टू माई सरप्राइज गाइज, मुझे ना वेबसाइट पे जो पिक्चर्स थे वो उतने प्रॉमिसिंग नहीं लगे थे, लेकिन जब ये आउटफिट आया मेरे पास, आई वॉज सो हैप्पी विद द कलर कॉन्ट्रास्ट, विद द क्वालिटी एंड द ओवरऑल लुक। नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, हमारा जो नेक लाइन है ना, ये राउंड नेक है, लेकिन यहाँ पे नीचे प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। ये पूरा गोल्डन थ्रेड से वर्क किया है, कॉन्ट्रास्ट में ये हमारा पिंक थ्रेड के साथ भी काम किया है, एंड ऊपर यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, ये बीड वर्क है, प्रॉपर पिंक कलर का ये बीड वर्क किया हुआ है। आई लिटरली लव एक एक जो डिटेल है ना, इस सेक्शन में अलग डिटेल है, यहाँ पे अलग डिटेलिंग है, यू कैन सी यहाँ पे मिरर वर्क की डिटेलिंग दी हुई है, बहुत ही प्यारा वर्क किया हुआ है। एंड और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, येलो कलर के साथ साथ यहाँ पे फॉयल जो वर्क है स्ट्राइप में, वो दिए हुए हैं, विच गिव्स अ लॉट ऑफ रिचनेस टू दिस आउटफिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लीव्स। ये 3/4 लेंथ की स्लीव्स है, एंड स्लीव्स के यहाँ पे बॉटम में भी आपको ये देखो, ये जो लेस वर्क किया हुआ है पिंक कलर के फैब्रिक के ऊपर, ये इस तरह का जो लेस है, इसकी वजह से ये लहरिया स्ट्राइप प्रिंट लग रहा है आपको। एंड यहाँ अगेन ये मिरर वर्क के साथ साथ ये थ्रेड वर्क किया हुआ है। ओवरऑल सेम यही वर्क आपके यहाँ पे हेम पे है इस कपड़े पे। एंड एक चीज़ और जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, वो है इसका ये टैसल। सो यू कैन सी द टैसल डिटेलिंग इसमें ना, इस तरह से देखो, गोटा वर्क के साथ साथ नीचे इस तरह ये घुंघरू भी दिए हुए हैं, काफ़ी लाइक प्रॉपर फिनिशिंग है इसमें। और इतना अच्छा आउटफिट लग रहा था ना, इसके साथ जो बॉटम आता है, मैं वो दिखाते हूँ। इट कम्स विथ अ प्रॉपर घेरा, इसका जो बॉटम है शरारा का घेरा इतना अच्छा है, वो प्रॉपर अगर आप एक राउंड मारो, ट्वर्ल करो, तो ये आपको एक स्कर्ट का लुक देगा। आई मीन आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स लाइक। लेट्स टॉक अबाउट द दुपट्टा। इसके साथ आता है ये चुन्नी वाला दुपट्टा, जिसमें इस तरह से ये अगर आप देखो तो ये अगेन जो हमारे हेमलाइन पे यहाँ पे दिया हुआ है पैटर्न, उसी सेम पैटर्न में है। इसके साइड में यहाँ पे इस तरह से अगेन ये गोटा वर्क किया हुआ है। आई लव द ओवरऑल लुक, द फील एंड द टच ऑफ दिस आउटफिट। लुक वाइज तो वाकई बहुत ही अमेजिंग है, 10/10 आई वुड गिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइज। सो ये स्मॉल साइज से लेके ट्रिपल एक्सएल तक मुझे अमेजोन पे दिख रहा था। नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हेयर। तो यहाँ पे बिकॉज हमारे आउटफिट में ना काफ़ी कुछ है, स्टाइलिंग हम कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो बिकॉज यहाँ पे हमारे पास येलो आउटफिट है, पिंक कलर है, नीचे अगर आप देखो इसमें इस इयरिंग के, तो यहाँ पे चांद बाली है, चांद बाली के नीचे यहाँ पे इस तरह से कॉन्ट्रास्ट कलर में बीट्स है, ग्रीन कलर का ये बीट्स है, ग्रीन एंड येलो पिंक ये काफ़ी अच्छे लगते हैं एक साथ, तो मैंने इस कलर को चूज़ किया है। नाउ यहाँ पे मैंने एक रिंग रखा है विच इज़ वेरी क्यूट, और इसको आप ऑप्शनल है, आप चाहो तो रख सकते हो वरना नहीं। एंड यहाँ पे अगेन मैंने बैंगल स्टैक किया है, सेम एज व्हाट वी हैव, पिंक कलर का बैंगल मैंने रखा है यहाँ पे, बिकॉज हमारे आउटफिट में पिंक कलर है। आई एम गोइंग विथ दिस क्लच। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो क्लच का जो वर्क है ना, इट्स मैचिंग विद दिस। सो ये जो मेरा जो रिंग है, इसके साथ ये मैच कर रहा है ये वर्क, और ये काफ़ी पुट टुगेदर लग रहा है। नाउ टू कंप्लीट द लुक, यहाँ पे जो मैं फुटवेयर ले रही हूँ वो है मेरा ये पुराना सा हील, इसको काफ़ी बार आपने देखा है। सो आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस। राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। ये जो प्यारा सा कुर्ता सेट आप देख रहे हो ना, ये भी शरारा
शरारा सूट ही है. एंड इसमें यहाँ पे वन थिंग विच आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज, एक हमारा हो गया बांदी प्रिंट एंड देन हमारे दुपट्टे पे है ये लहरिया प्रिंट. एंड इस तरह से आपको इन्हीं दो प्रिंट का फ्यूजन आपको दिखेगा शरारा पे जो है इसका बॉटम. यहाँ पे एक एक करके मैं आपको डिटेल बताऊंगी. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कुर्ता. तो राउंड नेक है एंड यहाँ पे अगर आप ये देखो तो ये गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है प्रॉपर. ये जो है ये प्रॉपर पॉम्पॉम की डिटेलिंग जैसा लग रहा है आपको दूर से, बट इट्स नॉट पॉम्पॉम, इट्स अ फ्लावर. यहाँ पे हेमलाइन पे आपको प्रिंट का डिटेल दिख रहा है एंड लेस वर्क किया हुआ है. ये जो लेस आप देख रहे हो ना, ये चारों तरफ इस तरह से इसके स्लिट पे किया हुआ है. सो ये जो कुर्ता है ये कॉटन मटेरियल में है. एंड इसकी स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो स्लीव्स पे भी इस तरह से आप देखो ये स्ट्राइप में ऐसे डायगनली आ रहा है ये आपका लेस वर्क. एंड नीचे यहाँ पे इस तरह से अगेन ये वर्क किया हुआ है लेस वर्क ही. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉटम. बॉटम में भी अगेन इसका घेरा काफी अच्छा है, अगेन स्ट्राइप प्रिंट है. एंड नीचे सेम यही लहरिया प्रिंट के साथ साथ आपको ये बांधनी प्रिंट भी नीचे यहाँ पे दिखेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दुपट्टा. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन जो है रेड एंड ऑरेंज काफ़ी ट्रेडिशनल कलर है. ये कलर कॉम्बिनेशन यू कैन नेवर गो रॉन्ग स्पेशली इस सीजन में. सो इसके साथ साथ यहाँ पे देखो इस दुपट्टे पे इस तरह से ये लेस वर्क की डिटेलिंग दी हुई है एंड लहरिया जो है पैटर्न में ऊपर यहाँ पे इस तरह से ये फेब्रिक जो है लेस वर्क किया हुआ है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हियर. सो यहाँ पे मैंने जो इयररिंग ले रखी है ये गोल्डन में ही इयररिंग है. यहाँ पे इसके अलावा मैंने ये येलो कलर का बैंगल स्टैक किया हुआ है. एंड यहाँ मैंने जो क्लच लिया हुआ है वो है ये कॉइन क्लच विच हैज़ ऑल द कलर्स विच वी हैव इन आर आउटफिट. एंड इस लुक को कंप्लीट करने के लिए ये मैंने ट्रांसपेरेंट हील लिए हैं एंड दिस इज द ओवरऑल लुक गाइस. ऑलराइट, सो जॉर्जेट मटेरियल में मुझे ये शरारा सेट दिखा था और आई लिटरली फेल्ट लाइक कि देखो सीजन है हमारा जॉर्जेट एंड कॉटन मटेरियल का, तो मैं एक बार आपको जॉर्जेट मटेरियल के भी शरारा सेट दिखाना पसंद करूंगी बिकॉज जॉर्जेट मटेरियल इज कंफर्टेबल, इट्स फ्लोई एंड वो आपका जो लुक है ना वो काफ़ी एक्सेंचुएट करके दिखता है जॉर्जेट मटेरियल में, काफ़ी रिच लुक देता है. तो इसलिए मैंने कहा कि एक आउटफिट तो इसमें होना ही चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेलिंग ओवर हियर. सो ये जो कुर्ता है ये मेरे नी लेंथ तक ये कुर्ता है और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये प्रॉपर इस तरह से ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना ये सिक्वेंट वर्क किया हुआ है पूरा का पूरा. ये मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम सजेस्ट कर रही हूँ इस तरह का एक पैटर्न. नाउ यू कैन सी इसका जो नेकलाइन है इट्स राउंड एंड द सिक्वेंट वर्क गोज ऑल ओवर हियर एज वेल. ये पूरा का पूरा काफी पॉलिश्ड और काफी अच्छे से वर्क किया हुआ है. एक्स्ट्रा कोई भी थ्रेड वगैरह या मुझे कुछ भी ऐसे जो सिक्वेंट बीच बीच में से हट जाते हैं वैसा वाला बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था. सो स्लीव्स पे भी सेम वही रनिंग वर्क सिक्वेंट का है एंड बहुत ही रिच लुक दे रहा है. ऑब्वियसली हमारा जो मरून कलर है ना उसके ऊपर ये जो गोल्डन कलर है ये काफ़ी एक निखार दे रहा है. लेट्स टॉक अबाउट द बॉटम हियर. सो बॉटम भी अगेन इट्स वेरी फ्लोई, इट हैज़ द घेरा जो कि हम अपने शरारा सेट से एक्सपेक्ट करते हैं. आई लव द फ्लो. और इस पैंट के साथ आता है ये इस तरह से टैसल, सेम इसी वर्क में है ये एंड ये पैंट के साथ है. जनरली हमारा जो कुर्ता होता है उसके साथ होता है बट यहाँ पे शरारा पैंट जो है उसके साथ है. नाउ दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज. इसमें लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हियर. तो यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट कलर चूज़ किया है. सो गोल्डन वर्क में ही ये ड्रॉप इयरिंग है एंड ये ग्रीन कलर का ये पूरा आपको ये बीड्स वगैरह दिखेंगे. नाउ यहाँ पे मैंने ओवर एक्सेस नहीं किया है. सो दिस इज द बैग आई एम गोइंग टू स्टाइल विथ. एंड क्योंकि हमारे आउटफिट में गोल्डन है सो मेरे पास जो इकलौता गोल्डन हील है उसके साथ में इस लुक को पेयर करूंगी एंड दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक गाइज. नेक्स्ट शरारा सेट इज ऑफ चंदेरी मटेरियल एंड ऑलिव ग्रीन कलर का ये प्यारा सा सेट मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल डिटेलिंग्स. तो लेट्स टॉक अबाउट द कुर्ता सेट हियर. सो कुर्ता के ऊपर अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले राउंड नेक के साथ इफ़ यू सी यहाँ पे ये प्रॉपर इस तरह से ये गोटा पट्टी वर्क का डिटेलिंग है, ये प्रॉपर इस तरह फ्लोरल डिटेलिंग. एंड हेयर ऑल टुगेदर ये इस तरह से बटन डाउन दिया हुआ है बट इट्स एक्चुअली नॉट डिटैचेबल. ऑल राइट, सो ये ए लाइन है, शॉर्ट कुर्ती है, बस ये सामने से इट हैज़ स्लिट्स. द स्लीव्स ओवरऑल हैज़ दिस बेल स्लीव्स डिटेलिंग एंड यू कैन सी हाउ क्यूट इट लुक्स ओवरऑल. कलर कॉम्बिनेशन ऑलिव के ऊपर जो गोल्डन कलर है, इनफैक्ट ये हल्का सा एक
पिंक टच दिया हुआ है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका जो शरारा है। सो बिकॉज जो कुर्ता है वो शॉर्ट है, इसका जो बॉटम है ना, इट हैज़ दिस रियली लॉन्ग घेरा वाला शरारा, इट गिव्स वेरी रिच लुक ऑल टुगेदर। इसके साथ आता है जो दुपट्टा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द दुपट्टा, इट हैज़ दिस गोल्डन वर्क डिटेलिंग साइड में, इस तरह से ऐसे टैसल्स दिए हुए हैं, पिंक एंड ग्रीन कलर का ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा दुपट्टा है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये इसके साथ। और इस कुर्ता सेट के साथ एक और चीज़ आई थी एज अ गिफ्ट, ये चेन आया है एज अ गिफ्ट इसके साथ, विच इज़ क्यूट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हेयर। सो मैंने उसको अभी स्टाइल नहीं किया बिकॉज हमारे ऑलरेडी गले पे इतना सारा काम किया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉप ईयरिंग ले रखी है विच हैज़ मल्टीपल बीड्स। नाउ इसके साथ जो मैं फुटवेयर स्टाइल करूँगी, इट्स बेसिकली गोइंग टू बी अ जुत्ती। ऑलरेडी हमारे आउटफिट में पिंक टच है तो आई एम गोइंग टू गो अहेड विद दिस जुत्ती। इसके साथ मैं ये पोटली ले रही हूँ एंड दिस इज द ओवरऑल लुक। तो साइज की बात करूँ ना, तो मैंने अभी तक जितने भी कुर्तियाँ दिखाई है मैंने स्मॉल साइज लिया है। आपको ये वाला जो कुर्ती है ना, ये आपको ऐसे देखने में सही लग रहा है, बट इसका जो बॉटम है ना, हल्का सा मुझे वेस्ट पे टाइट लग रहा था। इसके हिप्स की तरफ मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टाइट हो रहा है। एनीवेज आपको ये एक्सेल तक ये मिल जाएगा, स्मॉल साइज से लेके एक्सेल तक साइज में आपको ये पर्टिकुलर कुर्ता सेट। सो अगर आप भी स्मॉल साइज पहनते हो या फिर आपका जो भी ट्रू साइज है उससे एक साइज ऊपर आप इस पर्टिकुलर कुर्ता सेट को परचेज करें। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। ये शरारा सेट आप जो देख रहे हो ना, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द कुर्ती। ये शॉर्ट लेंथ कुर्ती है, नी लेंथ है ये मेरे, एंड इट हैज़ ऑल दिस मिरर वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क गोइंग अराउंड। नीचे यहाँ पे ना इस तरह से आपको ये मिरर वर्क के साथ साथ जो थ्रेड वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, वो मल्टीपल चटाक कलर में है, लाइक वाइब्रेंट कलर में है। सो इट गिव्स ओवरऑल दैट बैलेंस। सो हमारा जो ओवरऑल आउटफिट अगर आप देखो तो सेम कलर है विच इज़ मस्टर्ड कलर, बट हमारा जो ये आउटफिट है इसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन थ्रेड वर्क के जरिए एक एड ऑन किया हुआ है। सो इट कम्स विद अ मेशी स्लीव और यहाँ पे इस तरह से ये बेल स्लीव्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉटम। सो यहाँ पे इसका जो बॉटम है सेम इसी मटेरियल का है विच इज़ जॉर्जेट। सो द फॉल ऑफ दिस बॉटम इज अगेन लाइक रियली नाइस, क्योंकि जॉर्जेट मटेरियल है ना तो उसका फॉल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ आता है ये दुपट्टा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे गले पे आप इस तरह से लगा लोगे एंड ये नीचे यहाँ पे इस तरह से प्लीटेड चुन्नी है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, लाइक अ डिफरेंट टच टू अ ट्रेडिशनल चुन्नी आई वुड से। ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हेयर। सो स्टाइलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने बिकॉज हमारे पास पिंक कलर का वर्क किया हुआ है इसके यहाँ पे हेम वर्क में कुर्ते की, तो आई एम गोइंग अहेड विद दिस बीडेड ईयरिंग। अगर आपके पास कोई और मस्टर्ड कलर में अगर आप मोनोटोन जाना चाहते हैं, अगर आप कोई और प्राइमरी कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड विद। इसके साथ मैंने ये ट्रांसपेरेंट हील स्टाइल की है एंड टू कंप्लीट द लुक, सो इस बैग के साथ मैं इस लुक को कंप्लीट करूंगी। ऑलराइट, सो लास्ट कुर्ता सेट ऑफ दिस वीडियो, ये टील कलर में मुझे सिंपल एंड सोबर शरारा सेट मुझे दिखा था, और जिनको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं पसंद है, दे वांट जस्ट सोबर सिंपल सा आउटफिट, दिस इज समथिंग विच आई वुड रेकमेंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेलिंग ओवर हेयर। सो हमारा जो कुर्ता है सिंपल राउंड नेक है, देर इज नो फस ओवर हेयर, सिंपल हमारा यहाँ पे देखो तो आप ये नॉर्मल सा सिक्विन वर्क है, जस्ट दैट इसके यहाँ बॉटम पे इस तरह से ये फ्लोरल थ्रेड वर्क से डिटेलिंग दी हुई है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इसके अंदर ना इस तरह से ये एक्स्ट्रा मटेरियल दिया हुआ है। इनफैक्ट सारे ही जितने भी कुर्ता मैंने आपको दिखाने सबके अंदर लाइनिंग थी टू सपोर्ट दिस। मटेरियल इज जॉर्जेट मटेरियल एंड जिसकी वजह से ये फ्लो है इस आउटफिट में। सिंपल सा हमारा 3/4 लेंथ का स्लीव्स है इस कुर्ते में, देर इज नो एडिशनल एम्ब्रॉयडरी या सिक्विन वर्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉटम। ये अगेन बॉटम जो है ये सिंपल सा फ्लोई बॉटम है, करारा का जो हमारा फ्लो है, जो घेरा है वो मेंटेन्ड है। इसके साथ आता है जो दुपट्टा, ये सिंपल चुन्नी है, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल कुछ काम वगैरह या लेस डिटेलिंग वगैरह नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग ओवर हेयर। यहाँ पे मैंने ये ड्रॉप ईयरिंग स्टाइल की है इसके साथ, आई डिडंट स्टाइल एनीथिंग ऑन माई नेक एंड हमारे मैं जो फुटवेयर इसके साथ स्टाइल कर रही हूँ।
हूँ वो है ये ब्लैक कलर का हील एंड टू कम्प्लीट द लुक ये बॉक्स क्लच है मेरे पास, तो इसको मैं इसके साथ पेयर कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द गोल्डन सिक्वेन वर्क. सो दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द शरारा सेट हॉल वीडियो. आपको मैं सारे प्रोडक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. आपको मैंने एक एक चीज़ की डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से बताई है, तो आपको अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. रेस्ट आई वुड से कि आपको इनमें से जो भी आउटफिट पसंद आया है ना मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप कौन सा इनमें से परचेज कर रहे हो, कौन सा आप इस ईद स्टाइल करना चाहते हो. इनफैक्ट अगर आप किसी भी फेस्टिवल के लिए शरारा सेट देख रहे हो ना, सो दीज आर सम वराइटीज़ जो कि आप इस सीजन ट्राई कर सकते हो. सो गाइज यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय.